तो अब बात करते हैं बुक्स बुक के लुक और इंटरनल पेजेस की। तो जैसा मैंने आपको बताया, विक्रमादित्य ब्लेंड्स इन हिस्ट्री। तो उज्जैन की हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो विक्रमादित्य राजा का काफ़ी जिक्र आता है, और उनका एक विक्रम टीला भी है महाकाल मंदिर के पीछे। और इस बुक में आपको कुछ कुछ हिस्ट्री के सीन्स दिखेंगे और कुछ प्रेजेंट टाइम में दिखेंगे। तो इंडोर्स वगैरह जो 3D आर्ट है वो काफ़ी अच्छा है इसमें। समवन माइट नॉट लाइक दिस आर्ट स्टाइल बिकॉज ये एक मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर टाइप की बुक है, बट आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग। वाई शुड वी ऑलवेज गेट सेम टाइप ऑफ आर्ट? तो ये एक नया अटेम्प्ट है, एक जैसे इसमें दिखाया है कि किस तरह पंचांग में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल बेसिकली मीन्स वाइट, तो ये एक वाइट तरह से वाइट जो मून की कंडीशन होती है, और उसके बाद इट वेन्स, सो वैक्सिंग एंड वेनिंग। और ये एक अच्छा, इस तरह से मैं इस पेज का इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज में से इंटरेक्शन हो रही है और बीच में एक विजुअल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये इसका आर्ट है और ये इसके पेजेस हैं। तो ओवरऑल फ्लो आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। नीलेश जी का भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आ गए नीलेश जी। और डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें, काफ़ी ऑड नहीं लगते, बहुत कॉन्वर्सेशनल और नेचुरल लगते हैं डायलॉग, और स्टोरी भी आसानी से मूव होती है। काफ़ी एक सिनेमैटिक इसका स्टाइल है स्क्रीन प्ले का। एंड आई एक्चुअली रेड दिस बुक और उस टाइम मुझे ज़्यादा अच्छी लग गई, फिर मैंने एक दिन रुक के वापस पढ़ी और तब मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ आप देख सकते हैं महाकाल मंदिर, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो ये उज्जैन के एस्पेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि और कुछ भी कर सकते थे, तो उज्जैन का एक लुक और ला सकते थे थोड़े स्ट्रीट्स वगैरह दिखा के, बट अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा है इसमें। और यहाँ पे मैं आपको सारी स्टोरी नहीं दिखाता हूँ, बट डू रीड दिस बुक। आई थिंक इट इंग्लिश एडिशन मेरे पास नहीं है, बट अश्विन कालमाने हैज़ डन द ट्रांसलेशन, बट नंदलेस इट्स अ वेरी एन्जॉयबल बुक, विक्रमादित्य वन। अब आते हैं गुड्डू बॉम्ब पे। तो इसका कवर बहुत अच्छा है, और एक मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लगी कि कवर आपको बहुत एक्सपेक्टेशन रेज कर देता है। जो ये प्रोटैगनिस्ट है, आपको एक लुक आपको इसमें एक्सपेक्ट करते हैं आप, बट जो एक्चुअल लुक है प्रोटैगनिस्ट का वो ये है इधर। तो इनका नाम होता है गुमान मिश्रा, और आर्ट अच्छा है। आप देखें तो लाइट और कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, और ये मैट ग्लॉसी में इसका लुक है। स्टोरी मूव्स वेल आर्ट के साथ, एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंट्स इन दिस बुक। आई वुड नॉट से इट्स मतलब सब कुछ इसमें वर्क नहीं करता है बिकॉज कुछ कुछ कहानी के मामले में भी कुछ चीज़ें एक एक लेयर के बाद एक लेयर काफ़ी खुल जाती हैं। तो फर्स्ट केस के लिए आप थोड़ा सिंपल भी रख सकते थे बिकॉज इसका टोन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये एक ह्यूमर वाला टोन लेने चाह रहे हैं कि क्या ये एक डार्क टोन की तरफ जा रहे हैं। और बिहार में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी ऑड लगी मुझे, जो उसका अडेप्टेशन था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सीन है, तो जो ये तो उसका ओपनिंग सीन ही है। तो गुड्डू बॉम्ब इज़ डे ड्रीमिंग, और उनको ये एक महिला आती है, तो उसमें लिखा है कि हमारे लाइफ में ठंडी हवा की तरह एंट्री हुई, जैसे लिट्टी के अंदर सत्तू का मसाला भरने से ही उसका असली स्वाद उभर के आता है। तो ये मुझे ये जो मेटाफोर था ये ज़्यादा समझ में नहीं आया बिकॉज़ लिट्टी के अंदर तो हमेशा ही सत्तू होता है। अगर आप ये लिखते हैं कि लिट्टी का मज़ा तब आता है जब उसमें गरम घी में डाली जाती है। तो एनीवेज दिस इज़ जस्ट अ माइनर क्विबल, बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। बाकी ठीक ही है, सुदीप जी को अच्छा लगता है ये मूवी टाइप के होमाजेस लिखना, ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना। तो उस तरह से देखा जाए तो वो पहले भी काफ़ी कर चुके हैं, तो इसमें अब इतनी नॉवेल्टी नहीं रही है। बट स्टिल गुड्डू बॉम्ब इज़ अ गुड अटेम्प्ट बिकॉज ये बिहार में बेस्ड है, और यू विल लाइक इट इफ़ यू लाइक एक्शन कॉमेडीज़। और पर्सनली मेरा एक और प्रॉब्लम रहा है कि आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दीज ये बिहार बेस्ड की मूवीज़। नॉट दैट आई हैव अगेंस्ट एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट आई जनरली मैंने कुछ भी नहीं देखा है ये, या तो दबंग हो या वासेपुर हो या मिर्ज़ापुर हो, आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दोज। इट्स नॉट वन ऑफ माई फेवरेट जॉनरस, बट कॉमिक्स में ये आया गया है। तो आई वुड से कि अगर आप कॉमिक्स में कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ
टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम मूवीज़, आप कॉमिक्स में ही कुछ ओरिजिनल बनाएं, तो जस्ट माई थॉट। बट अदर देन दैट, गुड्डू बम इज़ एन इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट, विक्रमादित्य नंबर 1। सो बोथ दीज बुक्स आर ग्रेट, काफ़ी अच्छी आपको पेज काउंट मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और नीलेश जी और अनादि जी दोनों से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली गो गेट देम। तो इससे और पार्ट्स आने को मिलेंगे, हमें इंडिपेंडेंट कॉमिक्स देखने को मिलेंगी, और अभी ये इनिशिएटिव भी है इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का, विच इज़ डूइंग सम ग्रेट वर्क। गवर्नमेंट से भी रिकॉग्निशन मिल रही है कॉमिक्स इंडस्ट्री को, विच इज़ ग्रेट। सो दिस इज़ अबाउट दिस रिव्यू ऑफ गुड्डू बम एंड विक्रमादित्य नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।